हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली व्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाने वाला हूं दिल्ली एनसीआर के अंदर में। तो आज पहले मंदिर की शुरुआत करते हैं छतरपुर के मंदिर से। यहां का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है छतरपुर, यहां से हम मंदिर के अंदर एंटर करेंगे और यहां पे दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। बाकी का जो मंदिर वाला एरिया यहां से लगभग 100-150 मीटर आगे तक फैला हुआ है और दूसरी तरफ भी मंदिर का कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा जहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दर्शन कराने के लिए लेके चलते हैं अंदर। तो ये बाबा जी हैं जो सामने मूर्ति लगी है, बाबा संत नागपाल जी। इन्होंने ही लगभग ये बनवाया है। बहुत भव्य जगह यार, इतनी बड़ी जगह है और सामने राम और सीता जी की बड़ी सी फोटो तस्वीर लगाई गई है। और ये बड़ी सी जगह है जहाँ पर इस नवरात्रे अगर आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नवरात्रे के आप पूरे साल के दौरान कभी भी आएंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बट ये है कि नवरात्रे के टाइम पे देख रहे हो कि यहाँ पे सजाया गया है और सजावट चली रही है, काम चल रहा है अभी यहाँ पे। देखो यहाँ पे लोग चुनरी बांध के जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो माना भी जाता है कि अगर यहाँ पे आप चुनरी बांधते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। देखो कितने सारे लोगों ने यहाँ पे चुनरियाँ बांधी हुई हैं। तो भाई ये है माता का शयन कक्ष, चलता हूँ आपको पास से दिखाता हूँ। शयन कक्ष में माता जी की तस्वीर लगी है, बाकी उनका श्रृंगार का सारा सामान रखा हुआ है। और इस तरफ आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बाबा जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे बाबा जी कभी हुआ करते रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही हैं। और दोस्तों यहाँ पे नवरात्रि महोत्सव होगा तो आप पूरे नवरात्रि के दौरान यहाँ पे आ सकते हैं, कथा वगैरह यहाँ पे चलेगी तो आप लोग वो सुन सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे अंदर बहुत सारे मंदिर बने हैं अलग अलग भगवान के, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक बना हुआ है नीचे जहाँ पे श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर सकते हैं, मतलब माता सीता जी और साथ में हनुमान जी के, और ऊपर आप दर्शन कर सकते हैं शेरों वाली माता के। तो अभी पहले माता जी के दर्शन करवाएंगे, फिर ले चलेंगे आपको श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाने के लिए। और भाई यहाँ पे अगर दिव्यांग लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं, कोई समस्या है तो उनके लिए भी ये बना हुआ है ये स्लॉप, इस पर अपना वो व्हील चेयर वगैरह लेके आ सकते हैं। और यहाँ पर आप शिवलिंग के भी दर्शन कर पाएंगे। तो अब आ चुके हैं हम लोग दूसरी तरफ और यहाँ पे भी तैयारी चल रही है। ये भी मंदिर का ही दूसरा पार्ट है और यहाँ पर फूल माला नारियल लाना वर्जित है, मतलब नहीं लाते। पूजा करना है तो आप सामने वाले इस वाले मंदिर में जाएंगे, बाकी अगर आप सिर्फ दर्शन करने और घूमने आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है भाई, यहाँ पे आपको शेर भी देखने को मिलेगा, बनावट मतलब काफ़ी अलग अलग चीज़ों की यहाँ बनावट देखने को मिलेगी। देखो भाई यहाँ पे दुर्गा पूजा पंडाल लग चुका है और यहाँ पे माता रानी जी को बिठा दिया गया है। नवरात्रि में आप यहाँ पे दुर्गा पूजा देखने भी आ सकते हैं, माता जी के दर्शन करने आ सकते हैं, आशीर्वाद लेने आ सकते हैं। अब चल रहे हैं तीसरे पार्ट में जहाँ पे शिव गौरी गणेश्वर जी का मंदिर है और ये बिल्कुल ही अपने छतरपुर मंदिर के सामने वाला पार्ट है जो मैंने सबसे शुरू में बताया था आपको, ये तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पे भी मंदिर है, यहाँ पे भी माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया सजाया जा रहा है। ये देखो जी बाबा जी के आश्रम के अंदर आ गए हैं, आश्रम क्या मंदिर ही कहोगे। और यहाँ पर बड़ी सी शिव जी की यहाँ पर ऊपर त्रिशूल बना हुआ है जिसपे नाग देवता जी बने हुए हैं और साथ में ये नीचे कछुआ बना हुआ है, बहुत बड़ा कछुआ, देखिए बहुत बड़ा ये, इतना बड़ा कछुआ है ये, बड़ा यूनिक है। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और सामने यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, ले चलता हूँ। एक मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, उस तरफ भी बना हुआ है, पीछे भी बना हुआ है, मतलब काफ़ी सारे छोटे 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 मंदिर हैं और यहाँ पे आपको आना चाहिए, सुकून और शांति पक्का मिलेगी आपको यहाँ पर। और लो जी यहाँ पर एक यूनिक गार्डन देखने को मिला है जहाँ पर अंदर गार्डन के अंदर भगवान ही भगवान है। क्या चाह रहे हैं, कैसा बनाना चाह रहे हैं इसको, अभी काम चल ही रहा है इस पर। तो इस नवरात्रि बहुत ही यूनिक चीज़ छतरपुर में देखने को मिल रही है। ये देखो भाई यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है और इतने बड़े हैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो पैरों में इंसान खत्म हो जा रहा है, सोचो कितनी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। तो यहाँ भी दर्शन करने आप आ सकते हो, बाकी आपको इतनी बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की देख के विशाल काय हनुमान जी की शक्ति का अनुभव होगा।
अब आपको लेके चलता हूँ दिल्ली के सबसे सुंदर मंदिर की तरफ, जिसका नाम है झंडे वालान मंदिर। तो दोस्तों अब आ चुके हैं झंडे वालान मंदिर में, जो कि झंडे वालान नजदीकी मेट्रो भी है यहाँ का। तो अब चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं झंडे वालान मंदिर। तो देखो भाई, यहाँ पे द्वार संख्या लिखी हुई है, तो अलग अलग द्वार संख्या है जहाँ से आप लोग एंटर करेंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त भीड़ होती है नवरात्रे में यहाँ पे। और दिल्ली के मेन सेंटर में है ये जगह, ये मंदिर झंडे वालान, तो भाई भीड़ तो बनती है। वैसे भी पूरी दिल्ली लगभग उमड़ के यहाँ पे आ जाएगी, और दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर माता मंदिर में से एक ये भी है, तो यहाँ पे दर्शन करने आप लोग आ सकते हैं। देखिए अंदर गाड़ी भी चलती है झंडे वालान देवी मंदिर के नाम से। दोस्तों झंडे वालान मंदिर की बहुत मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग ज्योति लेने आते हैं, यानी नवरात्र में घर में माता रानी का ज्योत जलाने के लिए झंडे वालान मंदिर से ज्योत जला के लेके जाते हैं यहाँ से। और सारी सारी रात यहाँ से काफिला चलता रहता है, ऐसे दूर दूर से भक्तों का मतलब भक्त आते हैं यहाँ पर, यहाँ से ज्योति लेते हैं और ऐसे ही ज्योति को लेके बहुत दूर दूर तक पैदल लेके जाते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ आके मैंने देखा है। बाकी यहाँ पे काफ़ी बड़ी तैयारी चल रही है पूरे नवरात्र, यहाँ पे आपको भजन कीर्तन और काफ़ी बढ़िया माहौल देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे परिवार के साथ आ सकते हैं, फैमिली के साथ सुंदर से मंदिर में इस नवरात्र आपको जरूर आना चाहिए। तो ये जगह मुझे काफ़ी बेस्ट लगी। और यहाँ मंदिर के अंदर आप सजावट देखेंगे तो बहुत बढ़िया सजाया गया है पूरे मंदिर को, फूल से ऊपर एकदम थीम पे डिजाइन किया गया है पूरे मंदिर को, और बहुत अच्छा लगता है अंदर से। देखो भाई बड़ा भयानक सा पंखा लगा यार, एकदम क्या क्या पंखा है, पूरे मोहल्ले को हवा दे सकता है ये मोहल्ला। ये है पंखा, पता नहीं चल रहा होगा मगर बहुत जॉइंट साइज का है, और इस तरफ बराबर फूलों से सजाया गया है। ये लोग फोटोज खिंचवा रहे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर सजाया गया है, बहुत सुंदर। इधर भी अभी कुछ बना ही रहे ना, झांकियां टाइप की चीज़ें बन रही है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये त्यौहार चलने वाला है नवरात्रे का, झंडे वाला ना, और बाकी सभी मंदिरों में ही चलता है ये, 9 दिनों का त्यौहार होता है। और देख लो यहाँ पे कब कब क्या क्या है। अरे कहाँ चला गया, श्रृंगार वगैरह करवा सकते हैं, टाइमिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे दी गई है। तो आ गया हूँ 7 मंजिला माता मंदिर, जो कि सनातन धर्म मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और ये है तिलक नगर में। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन भी यहाँ का नज़दीकी मेट्रो है, और ये मंदिर काफ़ी भव्य है, 7 मंजिले में बना हुआ है। अलग अलग मंजिले पे आपको अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होंगे, बाकी नीचे मेन माता मंदिर के दर्शन आप कर ही सकते हैं। और यहाँ पे पूरे नवरात्रि के दौरान यहाँ भजन कीर्तन चलता रहता है। तो चलिए अभी लेके चलता हूँ अंदर, दर्शन कराता हूँ आपको। ये हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं, यहाँ पे माता रानी जी की प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति बना के, और इसके नीचे ये भी किसी माता जी की है, बाकी इसके नीचे साई बाबा जी का है। तो अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग हैं, इसके नीचे चलते हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं गुफा वाला मंदिर शालीमार बाग में, और ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है ये मंदिर, फिर भी आपको अंदर लेके चल के दिखाते हैं दर्शन करने के लिए। ये वाला एरिया तो पूरी तरीके से बंद है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में अभी चलेंगे दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं, ये भी माता मंदिर है, और यहाँ पर बहुत सारे जो लोकल्स के लोग हैं, बहुत मतलब प्रतिदिन यहाँ पर
पूजा करने के लिए आते हैं। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही फेमस है गुफा वाला मंदिर। कैसी गुफा है वो चल के भी देखते हैं अंदर से। तो यहाँ पर आप शिवलिंग के भी दर्शन कर सकते हैं और साथ ही में इसके अब चलते हैं गुफा के अंदर, देखते हैं गुफा कैसी है और यहाँ पे माता वैष्णो जी भी देवी जी के दर्शन होंगे तो वो चल के दर्शन करते हैं। तो देखिए कुछ ऐसी गुफा है, वैसे तो ये मानव निर्मित गुफा ही है मगर बहुत ही अच्छी और शांत लगती है अंदर से। अंदर थोड़ा सा डरावना भी लगता है ऐसा इसे बनाया गया है, मगर हाँ ठीक है। आप अंदर जाएंगे तो आपको शंकर भगवान जी के दर्शन होंगे, फिर शंकर भगवान जी के दर्शन करने के बाद आप दूसरी तरफ निकलेंगे, एग्जिट करेंगे। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस था, ये जो शेर दिख रहा है ना आपको, ये शेर वाला जगह ही यहाँ से आप अंदर जाते हैं वैष्णो देवी जी के लिए दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं अभी इसमें शेर के मुँह के अंदर से, और ये रास्ता थोड़ा सा अंधेरा वाला है और यहाँ अंदर ही आपको भजन कीर्तन करते लोग दिखेंगे, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो लोग शाम के टाइम पे आपको प्रतिदिन आरती करते हुए माता के और दर्शन भजन करते कीर्तन करते हुए लोग दिख जाएंगे। तो मैं अब आ चुका हूँ शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में, और यहाँ पे कोई नजदीकी मेट्रो स्टेशन तो नहीं है मगर लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अंदर आपको दर्शन कराते हैं। इस मंदिर की बहुत ही तगड़ी मान्यता है, मतलब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे अपनी मान्यता लेके आते हैं और लोगों की मुरादें पूरी भी होती हैं, इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। वैसे नवरात्र के टाइम पे देख रहे हो पीछे दुकानें बहुत सारी लगी हुई हैं, यानी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। चलो यहाँ जूते रख दिए हमने और चलिए जूते रख के दर्शन। बाहर ही आपको प्रसाद वगैरह मिल जाता है, यहाँ से आप लोग प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, बाकी खिलौने वगैरह मिल रहे हैं जो बच्चों के लिए ले सकते हैं। तो चलिए अभी ये देखिए रास्ता है मंदिर में जाने का रास्ता, तो चलिए चलते हैं दर्शन करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो दर्शन करने के लिए आपको दूसरी तरफ जाना पड़ता है, जो इस तरफ से भी आ रहे हैं उनको उस तरफ जाने में आसानी होगी। रोड पार करने के लिए आप फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिर्फ मंदिर के लिए स्पेशली बनाया गया है। प्रेम से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं, अब चल रहा हूँ बाहर, कुछ यहाँ देखिए क्या कुछ और भी है, और भी देवी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। माता की ज्योति लगाने का स्थल है, यहाँ पे सब दिया जलाने आते हैं और इन दिनों नवरात्रि में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं। तो देख लो कितने दिए जल रहे होंगे, अभी दिन का टाइम है जबकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। जैसे दिल्ली की कालका मंदिर पे मुंडन का एक संस्कार होता है, लोग अपने बच्चों को लेके आके मुंडन करवाते हैं, वैसे सेम गुरुग्राम के ये शीतला माता मंदिर में भी यहाँ पे मुंडन संस्कार होता है, लोग मुंडन करवाने आते हैं। यहाँ से भी दर्शन लोग कर रहे हैं, बाकी और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ क्या क्या है। बाकी यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं आप लोग, यहाँ देखिए ये हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, और यहाँ पे हनुमान जी के साथ साथ आप काली माता जी के दर्शन करेंगे इस तरफ, और यहाँ पे आप इधर भी क्या है शनि देव जी के दर्शन कर लेंगे आप। तो ये सारे के सारे देवी देवता आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता मगर कुछ तो कर रहे हैं लोग, पूजा कर रहे हैं मान रहे हैं, शायद इस मिट्टी से मान रहे हैं कि घर बन जाए हमारा, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। आप आइएगा तो आप बता दीजिएगा, हमें नहीं पता चला। तालाब लिखा हुआ ना, सजाया गया नहीं नवरात्र के लिए, तैयारियाँ पूरी हो रही, रात को जब ये लाइटिंग जलेंगी ना, लाइट जलेंगे बहुत सुंदर लगेगा। ये एंट्रेंस है यहाँ का मेन वाला, तो वैसे आते वक्त हम लोग ऊपर से आए थे मगर अभी जाते टाइम हम लोग नीचे की तरफ से, मेन जो एंट्रेंस से एग्जिट कह लो एक ही रास्ता है मेन वाला,
उसी से निकल जाएंगे बाहर। तो दर्शन हो गए हैं, शीतला माता मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। आप लोग आना, आप लोग भी दर्शन करना। अगर कोई कमी रह गई हो या कुछ मैंने नहीं बताया, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी लेके चलते हैं अब आपको अगली जगह। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ नोएडा सेक्टर 2 में। यहाँ पे नौ दुर्गा माता जी का मंदिर है और यहाँ पे चल के आपको दर्शन कराता हूँ। तो अगर आप नोएडा से हैं तो भाई ये मंदिर बहुत ही बड़ा है और भव्य है, और अभी फिलहाल और भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये मंदिर और इसके आसपास के काफ़ी जगहें जो हैं बहुत ही शांत और सुकून भरी हैं। दोपहर का टाइम है और यहाँ पे अभी माता जी के गाने चल रहे हैं। तो चलता हूँ अभी, आपको दर्शन कराता हूँ और दिखाता हूँ, और आप लोग घूमने आ सकते हैं। लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर। तो दोस्तों ठीक सामने आप माता जी के दर्शन करेंगे और साथ ही में परिक्रमा करते हुए आप पीछे की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे आपको भोलेनाथ जी के, शंकर जी के शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे और साथ में अन्य देवी देवताओं के। भाई ये बहुत ही सुकून भरी जगह है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो अगर आप भी आते हैं तो आपको भी बहुत सुकून और शांति मिलेगी। और सामने देखोगे तो आप यहाँ पे आपको भैरव जी हैं, हाँ भैरव जी के भी दर्शन होंगे। और बगल में ही ये वाला पार्ट भी आपको दिखेगा। ये मंदिर अभी बन ही रहा है, बन के तैयार हो गया, लगभग थोड़ा बहुत काम बाकी होगा इसमें और मूर्ति की स्थापना की जाएगी। तो ये मंदिर के जस्ट बगल वाला ही है ये हिस्सा। तो अभी चलते हैं फिर से मंदिर में दर्शन कराते हैं, सामने सामने से आपको माता जी के। नवरात्रि में आप लोग अगर नोएडा से हैं तो आप सभी को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए।